मॉर्निंग टू ऑल, एम आई ऑडिबल? प्लीज समवन, यस इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड हाउ टू राइट द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ दिस, मतलब और यू कैन से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन for the string 0011 0101 from the given grammar, right? So now we will discuss how to draw the parse tree for the given string. यहाँ पे ग्रामर दिया गया है, यहाँ पे एस डी राइट जीरो जीरो बी ये सब जो है, ये ग्रामर था, ठीक है. अब हमें पार्स ट्री बनाना है. पार्स ट्री बनाना है मतलब ये जो यू नीड टू कंसीडर द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन और एनी ऑफ द, मतलब कोई भी एक वे ले लो जिससे कि मतलब स्ट्रिंग डिराइव हुआ है ग्रामर से, एंड उसका बनाओ. अब जैसे देखो बनाते हैं हम. मैं मान लो ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वाला मैं ले रहा हूँ. तो अभी क्या हो रहा है, पहले हम इनिशियली एस से स्टार्ट करते हैं हम ऑलवेज. तो इनिशियली क्या रिप्लेस हुआ यहाँ पे, जीरो भी हुआ. सो एस पे एस इज रिप्लेस्ड विद जीरो भी. एस इज रिप्लेस्ड विद जीरो जीरो भी मतलब मैंने जब डेरिवेशन ट्री की बात करी थी उस टाइम पे क्या था, अगर हम पार्टिकुलर रिप्लेस करते हैं मतलब जो भी राइट हैंड साइड में जो भी होंगे दे ऑल विल एक्ट लाइक चाइल्ड्स, इज नॉट, एंड जिस ऑर्डर पे होंगे उसी ऑर्डर पे रहेगा. जैसे मान लो एस के जगह पे जीरो भी डाला मतलब जीरो विल बी लेफ्ट चाइल्ड एंड बी विल बी राइट चाइल्ड, ठीक है, इसी ऑर्डर पे रहेंगे. सो सबसे पहले क्या हुआ, एस के जगह पे हमने जीरो भी डाल दिया, ठीक है, रिप्लेस हुआ मतलब दो चाइल्ड, मतलब जितने भी मतलब राइट हैंड साइड में मतलब जो भी रिप्लेस करोगे उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उस ऑर्डर पे, मतलब जिस ऑर्डर पे है वो प्रोडक्शन में उस ऑर्डर पे वो सब उस मतलब जिसको रिप्लेस कर रहे हो उसका चिल्ड्रेन बन जाएंगे, ठीक. अभी फिर बी के जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हो, बी के जगह पे अगेन हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको देखेंगे B के जगह पे जीरो भी रिप्लेस हो रहा था, ठीक है. तो B के जगह पे जीरो भी मतलब इसके तीन चाइल्ड हो जाएंगे, जीरो देन B देन B, ठीक है. अगेन देखो अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो B था लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के टाइम पे, देखो ये जो फिगर है उसको मत देखो अभी, मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको देखो. अब B के जगह पे क्या हो रहा है, वन रिप्लेस हो रहा था, तो ये जो बी जो था ये जो बी इसके जगह पे उसका एक सिंगल चाइल्ड होगा वन. अब ये बी के जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, वन एस, मतलब इस बी का भी चाइल्ड बनेगा क्या, एक वन और दूसरा होगा एस. फिर एस के जगह पे क्या हो रहा है, अगेन जीरो भी डाला जा रहा है, मतलब इस एस से भी दो चाइल्ड बन जाएंगे जीरो देन बी, ठीक है. इस हिसाब से तुम्हें ड्रॉ करना है डेरिवेशन ट्री. ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द डेरिवेशन ट्री फॉर, और यू कैन से पार्स ट्री और डेरिवेशन ट्री फॉर दिस एलएमडी, राइट, ठीक है. एलएमडी के लिए पार्स ट्री बना रहा हूं, उसको अच्छे से देखो. सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एस था, हमें एस से स्टार्ट करना है, और डेरिवेशन ट्री का रूल क्या कहता है, एस इज द रूट नोड, एस अ नोड, तो एस इज रूट नोड मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे डेरिवेशन कोई भी स्ट्रिंग अगर डिराइव करते हैं कोई गिवन ग्रामर से, हम स्टार्टिंग नोड मतलब स्टार्टिंग वेरिएबल से लेकर हम वो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग तक पहुंचते हैं बाय रिप्लेसिंग सम वेरिएबल्स. तभी देखो इनिशियली क्या था, एस था, मैंने इनिशियल ये प्रोडक्शन था,
ये प्रोडक्शन था, मतलब मैंने बताया था डेरिवेशन टी या पास टी के टाइम पे जितने भी राइट हैंड साइड में जितने भी होंगे मतलब टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स, दे विल एक्ट लाइक द चिल्ड्रंस ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये समझ। सो अब पहले इनिशियली क्या रूल अप्लाई हुआ था, प्रोडक्शन क्या अप्लाई हुआ था, एस डिराइव्ड जीरो बी। सो अभी क्या एस डिराइव्ड जीरो बी मतलब जीरो बी कितने कंपोनेंट्स है, जीरो एक बी है, दिस टू विल एक्ट लाइक चिल्ड्रेन ऑफ दिस एस, मतलब इनिशियली एस के जगह पे क्या रिप्लेस हुआ, जीरो एंड बी। ठीक, अब देखो ये तो कल मैं डिस्कशन किया था तो उसको मैं मतलब अगेन डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ अब क्या होता है। इसके बाद ये वेरिएबल था बी के जगह पे ये रिप्लेस हुआ था जीरो बी बी, क्यों रिप्लेस हुआ था, बिकॉज देयर इज एन देयर एग्जिस्ट वन प्रोडक्शन बी डिराइव्ड जीरो बी बी। तो बी डिराइव जीरो बी मतलब उसके तीन चिल्ड्रेन होंगे, जीरो देन बी देन बी। ठीक है, अब देखो अब लेफ्ट में डेरिवेशन करते जैसे लेफ्ट को ले रहे थे तो अभी क्या हुआ, ये जो बी था उसके जगह पे वन वन डाले थे, क्यों, क्योंकि देयर एग्जिस्ट वन प्रोडक्शन बी डिराइव्स वन, मतलब इसको मैं सिंगल ले रहा हूं। अभी देखो अभी क्या है, ये आ गया अभी राइट जो बी जो है कि सिंगल बी उसके जगह पे क्या रिप्लेस हुआ था, वन एस। तो अभी इस बी के दो चाइल्ड होंगे, एक वन एक एस, इसी ऑर्डर पे जिस ऑर्डर पे प्रोडक्शन में एग्जिस्ट करता है। फिर एस के जगह पे क्या रिप्लेस हुआ, जीरो बी। ठीक है, तो बी के एस के जगह पे क्या हुआ, गेन जीरो देन बी। फिर बी के जगह पे क्या रिप्लेस हुआ था, अगेन वन एस, अगेन इस बी की जगह पे होगा वन होगा एस। फिर एस के जगह पे क्या हुआ था, जीरो बी, अगेन एस के जगह पे जीरो। लास्ट में क्या था, बी के जगह पे वन हुआ था, तो बी के जगह पे यहाँ पे वन। ठीक है, तो दिस इज योर डेरिवेशन ट्री और यू कैन से पार्स ट्री फॉर द एलएमडी। सिमिलरली आरएमडी के लिए भी बना लेना डिसीजन टास्क। ठीक है, तो भाई देखो दिस इज द पार्स ट्री ऑफ दिस योर एलएमडी। रिमेंबर ये इसको ऐसे बना गया, ये मत समझना कि मतलब ऑलवेज ऐसे ही बनाना है, मतलब रिमेम्बर ये जो लेंथ है ना इस सबको मतलब कोशिश करना कि इस तरीके से बनाने के लिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट पास टी कैसे बनाते हैं इसमें, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ एम्बिगुअस ग्रामर, हमने ग्रामर तो पढ़ा है which is used to generate some languages, and grammar contains four components, that is a set of variables or set of non-terminals, then second component is set of terminals, that is also known as your input alphabet or input symbols, then the third component is set of productions, then the last component is the starting variable, right? अब देखो एम्बिग्यूस ग्रामर, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिंग डब्ल्यू दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज जनरेटेड फ्रॉम द ग्रामर। ठीक है, ये समझ रहे हो कि नहीं, अगर एक स्ट्रिंग है जो कि दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए ग्रामर सच दैट डब्ल्यू हैज टू और मोर डिफरेंट पार्स ट्रीज और लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशंस, देन इट इज नोन एज एम्बिगुअस ग्रामर। मतलब क्या है, अगर कोई ग्रामर है एंड हमारे पास कोई भी एटलीस्ट एक स्ट्रिंग, कोई भी एक स्ट्रिंग ऐसा हो उस मतलब जो कि उस ग्रामर से जेनरेट हो रहा हो, एंड उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए अगर मोर देन वन पार्स ट्री होंगे, देन उस ग्रामर को हम एम्बिगुअस बोलेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, मान लो एक गिवन ग्रामर दिया गया है एंड उसका एक स्ट्रिंग दिया गया है, एंड रिमेम्बर ये स्ट्रिंग कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, मतलब एक ग्रामर का अगर ऐसा कोई भी एक स्ट्रिंग हो
जिसके लिए मोर देन वन पास्ट ट्री है, देन उस ग्रामर को एम्बिगुअस बोला जाएगा। मतलब तुम्हें अगर कोई ग्रामर दिया गया है और तुम्हें बोला गया है कि इसको ये एम्बिगुअस से प्रूफ करो, तब तुम्हारा काम क्या है, तुम ऐसे कोई भी स्ट्रिंग निकाल दो जो कि उस ग्रामर से डिराइव हो रहा है एंड उस ग्रामर के सॉरी उस स्ट्रिंग के लिए जो स्ट्रिंग डिराइव किए अभी उस स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पास्ट ट्री है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अगर कोई एक स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पास्ट ट्री है देन द ग्रामर विल इज एम्बिगुअस, वो स्ट्रिंग नहीं वो ग्रामर को एम्बिगुअस बोलेंगे। ठीक, एंड रिमेम्बर एक डिफरेंट पास्ट ट्री मतलब क्या है, हम ऐसे भी कह सकते हैं टू डिफरेंट लेफ्ट मोर डेरिवेशन हो या टू डिफरेंट राइट मोर डेरिवेशन हो। ठीक है, ऑल आर सेम, बस मेन कॉन्सेप्ट ही है कि मोर देन वन पास्ट ट्री होगा देन हम उसको एम्बिगुअस बोलेंगे, टू हो या थ्री हो या जो भी हो। अगर तो फिर एक ग्रामर अनएम्बिगुअस कब होगा, अगर उस ग्रामर से जितने भी स्ट्रिंग जेनरेट हो रहे हैं उन सभी स्ट्रिंग के लिए अगर एक सिंगल पास्ट ट्री हो, सभी स्ट्रिंग के लिए सिंगल नहीं मतलब हर एक स्ट्रिंग के लिए एक एक ही पास्ट ट्री हो, देन हम बोलेंगे दैट पार्टिकुलर ग्रामर इज अनएम्बिगुअस। क्लियर हुआ? किसी को डाउट पूछ सकते हो? इसको तो मतलब ऐसे आई एम सॉरी, मतलब इसको डेफिनेशन वाइज कैसे, दैट मींस इफ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज जनरेटेड बाय अ गिवन ग्रामर सच दैट दैट स्ट्रिंग हैज टू और मोर डिफरेंट पास्ट ट्रीज और two or more leftmost derivations or right two or more rightmost derivations then that grammar is known as ambiguous grammar। ठीक है, समझ में आया? मतलब उस ग्रामर का कोई भी एक स्ट्रिंग हो, एटलीस्ट एक स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है अगर जिसके लिए मोर देन वन पास्ट ट्री है then that corresponding grammar is known as ambiguous grammar। Now I'm moving to the next slide। Now जिसे एक एग्जाम्पल बनाते हैं, मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसे कैसे हम मतलब एक मतलब एम्बिगुअस ग्रामर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। कंसीडर द ग्रामर जी विद द प्रोडक्शन रूल्स, इसमें टोटल थ्री फोर प्रोडक्शन है। ठीक है, एस डिराइव्स एस प्लस एस, देन एस डिराइव्स एस स्टार एस, देन एस डिराइव्स एस, देन एस डिराइव्स ए। रिमेम्बर यहाँ पे जो प्लस और जो स्टार हुआ ना, दीज आर एक्टिंग लाइक योर टर्मिनल्स। ओके, जो इनपुट अल्फाबेट में जो बोलता था ना स्मॉल ए स्मॉल बी जीरो वन, सो हियर दिस प्लस एंड स्टार्स आल्सो एक लाइक टर्मिनल। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे बोला गया है फाइंड टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये गिवन स्ट्रिंग है और बोला गया है कि दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन शो करो। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन शो करो मतलब इसी स्ट्रिंग को हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके डिराइव करेंगे इस गिवन ग्रामर से, एंड क्वेश्चन बोला गया है कि उसको मतलब एटलीस्ट दो मतलब दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन शो करो, मतलब दिखाओ कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में भी यूनिक नहीं है। ठीक, देखो पहले हम डिराइव करेंगे इसको। मैंने सबसे पहले बोला था कि सबसे मतलब यहाँ पे देखो हियर ऑल द प्रोडक्शन आर Derived from the starting symbol। मैंने बताया था ना कोई भी स्ट्रिंग जब हम derive करते हैं start symbol से जो production होंगे उन्हीं में से कोई एक को लेंगे। Since यहाँ पे ऐसे ही चारों के चारों हैं तो उनमें से कोई एक लेंगे। अब देखो ऐसे derives ऐसे apply करेंगे तो meaningless है ये सब ना, एस के जगह पे ऐसे डालना meaningless है तो इसको use नहीं कर सकते। S derives A, इसको यूज नहीं कर सकते क्यों, इसको अगर एस डिराइव्स एक और यूज करेंगे तो सिंपली यही डिराइव होगा, उसके बाद कोई वेरिएबल नहीं रहेगा तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईच टाइम वी आर रिप्लेसिंग द वेरिएबल ओनली। जब हम डेरिवेशन प्रोसेस में जब भी कोई वेरिएबल आता है उसी को ही हम रिप्लेस करते हैं, तो इसीलिए अगर हमारे पास वेरिएबल नहीं रहेगा तो हम रिप्लेस कहां से करेंगे, राइट? तब देखो अब देखेंगे इसमें से अब बचा कौन सा, एस डिराइव्स एस प्लस एस, एस डिराइव एस स्टार एस, ये दोनों को हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें
ए स्टार ए है और ए प्लस ए भी है, मतलब प्लस भी है एंड स्टार भी है, तो मतलब कोई भी हम ले सकते हैं, एस प्लस है एंड स्टार है, ठीक है। तो इनिशियली में एस के जगह पे एस प्लस एस रिप्लेस, ठीक है। अब देखो ये कैसे मैं बना रहा हूं, ये डिराइव्स एस प्लस है, एस मैंने ले लिया, ठीक। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मैं यूज करना चाहता हूं, मतलब इसमें ये दोनों वेरिएबल कितने हैं, इसमें ये है और ये है, ये दोनों एस में से जो लेफ्ट में कौन सा है, ये एस है, इसके जगह पे मुझे रिप्लेस करना, ये सर नॉट, इसके जगह पे मुझे रिप्लेस करना। अब देखो, अब स्ट्रिंग को भी देखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग के हिसाब से तो हमें बनाना पड़ता है ना। अब देखो स्ट्रिंग में प्लस पहले आता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एस के जगह पे एस प्लस एस डाल दिया, मतलब और इसके साथ साथ ये एस में मुझे रिप्लेस करना है कुछ, क्योंकि लेफ्ट में है दो एस में से, तो एस में क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, ये भी 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 रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन ये रिप्लेस करना मीनिंगलेस है, एस के जगह पे ऐसे ही रखना। अब देखो यहाँ पे जो भी रिप्लेस करूंगा वो इसके लेफ्ट में आएगा। अब देखो एस के जगह पे अगर मैं एस प्लस एस रख दूंगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि एस के जगह पर अगर मैं एस प्लस रखूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, एस प्लस एस प्लस एस बन जाएगा, जो कि मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ही नहीं, स्ट्रिंग इसी फॉर्मेट में, तो एस प्लस एस भी चला गया। अब देखो एस के जगह पे मैं स्टार एस अगर लगाऊंगा, तो एस के जगह पे स्टार एस लगाऊंगा तो मतलब मेरा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, मतलब डेरिवेशन जो प्रोसेस, एस स्टार एस प्लस एस, ये सर नॉट, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में पहले प्लस आता है उसके बाद स्टार आता है, लेकिन इस फॉर्मेट में डालूंगा तो स्टार फिर प्लस आएगा, तो फिर बचा कौन सा है, ये एस डिराइव से ए रख सकते हैं, ये सर नॉट। सो यहाँ पे इसी एस के जगह पे लेफ्ट में था तो इसी को रिप्लेस करना था, तो हम लोगों ने ए को रिप्लेस कर, ठीक है। अब एक ही वेरिएबल बचा है, मतलब उसी उसी को ही हमें रिप्लेस करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, तो इसके अब एस के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, अगेन एस प्लस एस रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि एस के जगह पे अगर एस प्लस एस रिप्लेस करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ए प्लस एस बन जाएगा, जिसके टू प्लस आ जा रहे हैं, हमें अभी एक स्टार चाहिए, ये सब नॉट। अभी देखो स्टार चाहिए मतलब अब ये भी तो रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि सेम ही है, तो क्या रिप्लेस करके क्या मतलब ही नहीं है। और अगर मैं ए रिप्लेस कर दूंगा इसी ए के जगह, तो मेरा क्या बन जाएगा, ए प्लस ए ही बन जाएगा और वेरिएबल नहीं रहेगा, तो मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। सो बचा कौन सा, एस स्टार एस, क्योंकि एस स्टार एस भी करूंगा ना तो मतलब एक प्लस होगा, जैसे ऐसे बन जाएगा ए प्लस एस स्टार एस, तो इसी एस के जगह पे एस स्टार एस लगा लिया, क्यों, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग में एक स्टार भी है और मल्टीप्लिकेशन सिंबल, तो एस के जगह पे एस स्टार एस लगा लिया, ठीक है। तो उसमें से लेफ्ट में कौन सा एस है, ये है। अब सिंपली से यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये प्लस है, अब इसके इस एस पे जगह पे ए डालना है, इसे एस के जगह पे ए डालना है, क्योंकि टर्मिनल डाल एक प्रोडक्शन है एस डिराइव एस करके, एस डिराइव ए करके, तो लेफ्ट में कौन सा ये एस है, तो सबसे पहले एस के जगह पे ए डाल दो, फिर एक एस बचेगा एस के जगह पे ए डाल दो, तो ये आ गया, ठीक है। तो इसका पास ट्री कैसे बनेगा, इसका पास ट्री कैसे बनेगा, अब जो इसी का देखो एस था, बना रहा हूँ तो देखो इसको, एक्चुअली मैं डिजिटल पेन मेरा आ चुका है, मैं उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैंने आज यूज नहीं किया। हाँ रवि पता है, बोलो, रुको मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूँ। रवि बोलो। सर सर ये पूछ रहा था सर, जैसे ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है ना सर, तो सर आपने पहले वाले में जो जैसे ए पुट कर दिया, हाँ उसके उसके बाद मतलब जो एस स्टार एस किया है ना हाँ एस की जगह, तो सर वो राइट की तरफ कर रहे हैं ना सर, हम एक्सपेंड लेफ्ट की तरफ कहाँ कर रहे हैं। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या कहता है, जब भी हम कोई डिराइव करते हैं ग्रामर से, हम वेरिएबल पे रिप्लेस करते हैं कोई यूज करके, ये यस सर नॉट। हाँ तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या करते हैं, जब व्हेनेवर यू हैव मोर देन वन वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, कंसीडर रिप्लेसिंग द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। अब जैसे देखो ओके यहाँ पे दो एक ही वेरिएबल था, एक ही वेरिएबल था, मतलब यहाँ पे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, यस सर तो यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है मतलब इसमें से लेफ्ट को कंसिडर करोगे, लेफ्ट को पहले रिप्लेस करोगे, समझ ओके सर गए। यस सर। हाँ ठीक।
तब इसका मैं पास्ट ट्री बनाऊंगा तो कैसे होगा, सबसे पहले एस के जगह पे क्या हो गया, एस प्लस एस डाला, एस प्लस एस डाला मतलब इसमें तीन चाइल्ड होंगे, क्योंकि प्लस भी तो एक टर्मिनल है ना, प्लस भी तो एक चाइल्ड बनेगा, तो प्लस देन यहाँ पे एस। फिर क्या किए थे, इसे एस के जगह पे ए डाले थे, तो इसे एस के जगह पे हो गया था ए। फिर क्या हुआ, इसे एस के जगह पे क्या डाले हम, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में, इस स्टेप में क्या, इसके जगह पे एस स्टार एस डाले थे, तो इस पे क्या होगा, एस स्टार। देखो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब इफ इन द एक्सप्रेशन यू हैव मोर देन वन वेरिएबल देन रिप्लेस द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, क्योंकि हम जब स्ट्रिंग जनरेट करते हैं कोई ग्रामर से, मतलब हम स्टार्टिंग सिंबल से लेके प्रोडक्शन यूज करते करते रिप्लेस करते करते लास्ट में हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार एस हुआ, फिर एस के जगह पे क्या हुआ, ए रिप्लेस किए, फिर इस एस के जगह पे ए, ठीक। अब देखो, अब दूसरा डेरिवेशन डिराइव कर रहा हूं, मतलब सबसे पहले मैं स्टार एस को यूज कर रहा हूं, सबसे पहले क्योंकि देखो स्टार एस से भी बना सकते हैं, क्यों, क्लियरली दिख रहा है, मतलब स्टार वाला है इस टाइप के फॉर्मेट में आएगा, फिर इसी एस में हम एस प्लस एस डाल देंगे। तो देखो सबसे पहले एस के जगह पे स्टार एस हुआ, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना रहा हूँ, मतलब लेफ्ट में कौन सा, ये एस है। अभी देखो ये एस में मैं क्या डालू, अगर ये एस में मैं ए डाल दू तब क्या होगा, इस बाद में इसी एस में ही डालना पड़ेगा कमिंग स्टेप में, लेकिन कमिंग स्टेप में इसमें डालूंगा तो मेरा स्ट्रिंग जनरेट कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो स्टार है ये स्टार मेरा राइट में आ रहा है, ये सुन ना, जो प्लस से पहले जो देख यहाँ पे देख सकते हो ए स्टार ए जो है वो राइट में आ रहा है, मतलब इसी एस में अगर मैं ए डाल दूंगा तब मेरा क्या फॉर्मेट में आ जाएगा, ए स्टार एस फॉर्मेट में हो जाएगा, फिर एस में कुछ भी डालू जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए स्टार जो है मेरा राइट में, प्लस मेरा पहले आना चाहिए, समझ रहे हो, तो इसीलिए इसी एस के जगह पे मैं ए डाल नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, देखो क्लियर, देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग का फॉर्मेट चेक करो, स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या है, पहले प्लस ए के बाद प्लस आएगा, फिर उसके बाद स्टार आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी लेफ्ट मोस्ट है मतलब यही है, इसके जगह रिप्लेस करना है, तो क्या रिप्लेस करेंगे, देखो ए तो रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ए स्टार आ जाएगा जो कि ए वाला कभी जनरेट नहीं हो पाएगा, ये भी रिप्लेस करना मतलब क्या है, मीनिंगलेस है, एस के जगह पे कोई एस रखना क्या है, जरूरी नहीं है। फिर अब एस स्टार एस भी रख नहीं सकते क्योंकि एस स्टार एस रखेंगे तो मेरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एस स्टार एस मतलब दो स्टार आ जा रहे हैं, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगा इससे। अभी क्या है लास्ट में, बस एस प्लस एस है, ठीक है, तो इस एस के जगह पे एस प्लस एस स्टार एस ना। अभी तीन हो गए, इसमें से लेफ्ट में कौन सा है, ये एस है, अब सिंपली एस के जगह पे ए डाल दो, फिर ये दो में से लेफ्ट कौन सा है, ये है, तो इसमें जगह पे ए डाल दो, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ए प्लस एस मतलब क्लियरली दिख रहा है कि ए ए डालेंगे डायरेक्ट आ जाएगा, यस सर हो गया आ गया, हाँ तब इसका पास थ्री बना लोगे, यस सर, इसे गेन में तो बना देता हूँ, यहाँ पे एस हो गया, फिर पहले क्या होगा एस देन स्टार देन एस, ठीक, फिर इस एस के जगह पे एस प्लस एस हुआ, एस प्लस लास्ट में क्या, यहाँ पे ए यहाँ पे ए, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रामर का मतलब एक पार्ट, एक सिंगल स्ट्रिंग को बनाने के लिए देखो दो पास्टी है, ये एक पास्टी हुआ और ये भी एक पास्टी हुआ, ठीक है। सो दिस ग्रामर इज एम्बिग्योस, क्योंकि ग्रामर का कोई भी एक स्ट्रिंग हो जिसके लिए अगर मोर देन वन पास की है मतलब दैट ग्रामर इज एम्बिग्यूस, यहाँ पे देख सकते हो टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस है इस ग्रामर के लिए, ठीक है। सिमिलरली टू राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकता है, या फिर एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी है एक राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन
मतलब कोई भी हो, मेन चीज क्या है, पास्ट ही मोर देन वन नहीं होना चाहिए अनएम्बिगुअस ग्रामर के लिए. अगर मोर देन वन पास्ट ही हो जा रहा है देन दैट ग्रामर इज एम्बिगुअस एम्बिगुअस. ना यही था वो जो पास्ट थी मैंने भी बनाया था, तो ये इसमें एस प्लस एस है ये बनाया था, ठीक है, जो भी थोड़ी देर पहले मतलब बनाया था. ये हो गया पहले मतलब जो फर्स्ट केस के लिए, और ये सेकंड केस. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, इफ जी इज द ग्रामर एस डिराइव्स एस बी एस प्लस ए सो दैट जी इज एम्बिगुअस. देखो तुम्हें कोई स्ट्रिंग नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया, बस बोला गया है कि ग्रामर एम्बिगुअस से प्रूव करो. फिर कैसे करो? देखो क्लियरली दिख रहा है यहां पे दो एस, ठीक है, दो एस में मतलब अब कोई भी एक स्ट्रिंग हमें लेना है जिसके प्रूव करना है कि ग्रामर एम्बिगुअस, मतलब तुम्हें इंटुटिवली मतलब एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, कोई भी एक स्ट्रिंग ले जा जिससे कि प्रूव करो कि वो एम्बिगुअस. सो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि बी है, अभी अभी देखो एस के जगह पे हम एस बी एस भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, इसी एस के जगह पे भी हम एस बी एस रख सकते हैं, ए रख सकते हैं. So, मतलब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो वो जो भी स्ट्रिंग होगा वो ए बी ए बी ए बी ए करके लास्ट में ए फॉर्मेट में रहेगा. ये सब नॉट, जब भी देखोगे ये मतलब ए बी ए बी ए बी करके फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एस के जगह पे जब भी तुम रिप्लेस करो टर्मिनेट करना चाहोगे, अब पहले देखो एस बी अगर टर्मिनेट करना चाहोगे तो सबसे सिंपल स्ट्रिंग कौन सा आएगा, ए बी ए जनरेट होगा, नहीं तो फिर एस के जगह ई एस के जगह पे अगर तुम एस बी एस अगेन डालना चाहते हो तो फिर क्या हो जाएगा, एस बी एस देन बी देन एस. अब हर एक एस को टर्मिनेट करोगे तो मतलब क्या होगा, वो ए बी ए बी ए ऐसे इसी में ही आएगा. सिमिलरली और एक बार अगर एस बी एस डालोगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगेन ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है. तो मैं अभी इसी को ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसी स्ट्रिंग को लेकर मैं अभी प्रूव करूंगा. मतलब देखो थोड़ा लंबा होगा ना, मतलब उसमें मैक्सिमम चांस होता है एम्बिगस मतलब प्रूव करने के लिए, मतलब डायरेक्ट बन जाएगा. अब देखो कैसे बनाते हैं. तो स्ट्रिंग मैंने ले लिया, मैंने ए बी ए बी ए बी ए, ये समझ में आ गया ए बी ए बी ए कैसे आया, मतलब इधर एस के जगह पे ना एस बी एस जो है एस के जगह पे एस बी एस डाल दो, मतलब एस से आया एस बी एस, एस के जगह पे एस बी एस आया. मैं ऐसे मतलब लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन कुछ कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ, मतलब क्योंकि मतलब ये तुम्हें शो करना चाहता हूँ एबीएस कैसे आया, मतलब एबी एबीए कैसे. अगर तुम लेफ्ट मोस्ट भी करना चाहते भी हो, देखो लेफ्ट मोस्ट भी करना चाहते हो तब भी इसमें आप कर सकते हो, कैसे, एस के जगह पे सिंपली देखो एस के जगह पे ना तुम ए डाल दो, अगर लेफ्ट मोस्ट करना चाहते हो तो फिर ए डाल दो, एबीएस बन गया. ए में क्यों डालो, क्योंकि एस डिराइव्स ए है. फिर अभी राइट मोस्ट तो एस है, एक ही सिंगल एस है, मतलब इसमें क्या डालोगे, एस बी एस. फिर लेफ्ट मोस्ट में क्या करो, लेफ्ट में एस है तो इसमें ए डाल दो, ए बी ए है. फिर जो ए बी एस जो है, ठीक है, अभी एस में क्या करोगे, मान लो एस बी में एस में ए डाल दो. देखो वो लंबा भी ले लीजिए, पांच वाला लेते हैं हम, ये तो लंबा वाला है, मैं पांच वाले में तुम्हें दिखाऊंगा. ये समझ में आ गया, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था. अगर मैं राइट मोस्ट डेरिवेशन करके भी करना चाहूंगा तो सबसे पहले एस डी डाइव एस बी एस ले लूंगा, क्योंकि ए लूंगा तो ए बी ए, मतलब मैं नाउ कंसीडर ए बी ए बी एस टी, ठीक है, उसको मैं जनरेट कर रहा हूँ. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मैंने लिख लिया, अब राइट मोस्ट बनाऊंगा तो
ओनली ए देखो ओनली एच डिराइव्स ए मतलब दो ही है और दोनों स्टार्ट सिंबल्स है मतलब दोनों में से कोई एक को ले सकता हूँ, लेकिन एच डिराइव्स ए लूंगा तो फिर टर्मिनल हो जाएंगे, अब उसमें कोई वेरिएबल नहीं बचेंगे तो फिर मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, तो इसलिए सबसे पहले एस बी एस लग लिया। राइट मोस्ट डेरिवेशन मतलब राइट वाले जो वेरिएबल होगा उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स है ये एस है ये एस है, तो राइट वाला कौन सा है एस है, तो मान लो राइट वाले पे मैंने करना चाहूंगा तो सिंपली क्या करूंगा मैं ऐसे करता हूँ राइट वाले पे ना मैंने ए डाल दिया, ठीक है। अभी आओ अभी लेफ्ट में है, मुझे क्या है और एक दो बार मतलब और एक बार मतलब बी लाना है, मतलब अभी एस के जगह पे एस बी एस डाल दिया, इसी एस के जगह पे एस बी एस डाल दिया, फिर बी ए डाल दिया, फिर भी एस के जगह पे ए डाल दो, सॉरी राइट मोस्ट ले रहा हूं मतलब राइट मोस्ट ले रहा हूं मतलब क्या है इसमें दो वेरिएबल्स है, दो मतलब राइट में क्या ए सी एस है, तो यहाँ पे क्या करोगे एस बी ए बी ए, फिर लास्ट में इसी एस के जगह पे ए डाल दो ए बी ए, क्लियर। अब सर आप राइट मोस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो बी से पहले भी तो ये कैसा आ रहा है, कौन से बी से पहले ये सर एस बी एस बी ए, लेकिन देखो राइट मोस्ट मतलब क्या इसमें सिंगल वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल होता है मतलब दैट इज लेफ्ट मोस्ट भी है राइट मोस्ट भी है, समझे। देखो तुम चाहे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करो या राइट मोस्ट डेरिवेशन करो, ये दोनों चीज में एफिशिएंटली वो कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब तुम्हारे पास मोर देन वन वेरिएबल होता है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल देखो अगर तुम्हारे पास सिंगल वेरिएबल है मतलब यू आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, उसी को ही करना है तुम्हें, तो दैट इज लेफ्ट मोस्ट भी होगा राइट मोस्ट भी होगा, समझ रहे। मतलब ये दोनों केस में डिस्टिंग्विश तब हो पाएगा लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट पे जब व्हेनेवर यू हैव मोर देन वन वेरिएबल, समझ रहे हो। हाँ तो इन दोनों में भी रिमेम्बर अगर सिंगल वेरिएबल है मतलब उसी वेरिएबल पर कोई तुम्हें रिप्लेस करना है, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं पांच ट्री बनाऊंगा, देखो ये पहले वाला का बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये थोड़ा लंबा था, लंबा की कुछ करने की जरूरत नहीं प्रूफ करने के लिए। देखो इस पहले क्या किया है मैंने एस फिर बी फिर एस लिया, इसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। फिर ये लेफ्ट मोस्ट में जो एस था उसमें मैंने ए डाल दिया, फिर देखो फिर क्या क्या ये जो राइट मतलब ये अब राइट तो नहीं कहूंगा यहाँ पे मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कह रहा हूँ, सिंगल वेरिएबल है मतलब उसके जगह पे क्या डाला गया एस बी एस, अब क्या हुआ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब उसके पहले ए डाल दिया फिर इसमें ए डाल दिया, यहां तक क्लियर है। अब मैं देखो राइट मोस्ट का बात करूंगा मैं, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एस को लिया, पहले एस के जगह पे एस बी एस। अब देखो इसमें पहले क्या राइट में ए डाल दिया था तो मतलब इसमें ए डाल दिया था मैंने, ठीक। अब ये दो बच्चे थे, अब क्या हुआ अब इस एस के जगह पे एस बी एस डाल दिया था मतलब एस एस बी, अब राइट में कौन सा था ये एस था तो इसमें पहले ए डाल दिया एंड देन इसमें। अब देखो ये दोनों डेरिवेशन तो डिफरेंट है कि नहीं, ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट है मतलब दिस ग्रामर इज एम्बिग्यूस, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग ए बी ए बी ए बी ए जो स्ट्रिंग था उसको जनरेट करने के लिए जनरेट करने के टाइम पे दो पास्ट ही एग्जिस्ट कर रहा है, दो पास्ट ही मतलब दो नहीं थे, मतलब जरूरी नहीं कि दो होगा ये एम्बिग्यूस होगा, मोर देन वन, दो हो जाए तीन हो जाए चार हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस केस में तो दो हो रहा है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है तीन चार कुछ भी हो, बस अगर यूनिक नहीं है सिंगल नहीं है देन दैट करिस्पोंडिंग ग्रामर इज एम्बिग्यूस। सर हेलो, हाँ बोलो सर, जो मतलब आपने तो ये कंपैरिजन जो किया वो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में किया ना, मतलब हाँ हाँ, तो ये दो अलग अलग है ना सर, उसमें तो ये लिखा हुआ है ना डेरिवेशन, अगर लेफ्ट वाला है तो मतलब एक से ज्यादा लेफ्ट वाले हो या एक से ज्यादा राइट वाले हो या मतलब कुछ भी है।
देखो मेन चीज है एम्बिगस तब होगा जब पास्ट ही दो होंगे, मतलब एटलीस्ट दो होंगे, ठीक है? इफ देर एग्जिस्ट मोर देन वन पास्ट ही फॉर ए गिवन स्ट्रिंग, और यू कैन से फॉर एनी स्ट्रिंग ऑफ ए गिवन ग्रामर, मतलब जैसे मान लो एक ग्रामर है, उसमें मान लो एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे हैं, लेकिन उस एन में से ओनली ऐसा एक सिंगल स्ट्रिंग भी है जिसके लिए अगर टू पास्ट ही होंगे, देन दैट कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर इज एम्बिगस, ठीक है? तो मैंने जो बोला ग्रामर एम्बिगस मतलब मोर देन वन पास्ट ही होनी चाहिए, तो मोर देन वन पास्ट ही जो बात करी मैंने, ऐसा भी हो सकता है यू में हैव टू लेफ्ट मोस्ट टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकता है, या फिर टू राइट मोस्ट डेरिवेशन हो सकता है एटलीस्ट, या फिर एक लेफ्ट मोस्ट एक राइट मोस्ट भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये जो मैंने एग्जाम्पल करके बताया इसमें क्या है, एक लेफ्ट मोस्ट एक राइट मोस्ट में डिराइव हो रहा है और दोनों का पास्ट ही अलग है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट मोस्ट का भी दो तरीके से हो सकता है, जो जिसका पास्ट ही भी डिफरेंट हो, ठीक है? ओके सर, समझ आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सपोज ए प्लस, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? नहीं तो चलो इसको ही ले जाता हूं, ए बी ए बी ए, इसको मैं लेफ्ट मोस्ट में ही लेके दो दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में बनाता हूं। देखो सब देखो ए बी है, मतलब सबसे पहले मैंने एस बी एस ले लिया, ठीक है? मतलब एस डी राइट एस बी एस ले लिया। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट मोस्ट, मतलब दोनों में से इसी में भरना चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ इसमें ए डाल दिया मैंने लेफ्ट मोस्ट एस में, तो ए बी एस हो गया। फिर क्या किया मैंने, जो एस जो है ना इस जगह पे ए बी एस डाला, सॉरी एस बी एस डाला, क्योंकि एक ही वेरिएबल था और मुझे पांच ए बी एस लाना था, ए बी निकालना है ना। तो अभी देखो अभी इसमें लेफ्ट में क्या है, ये एस ए है, तो यहाँ पे मैंने ए बी मतलब ए बी ए बी एस हो गया, फिर लास्ट में क्या होगा ए बी ए डाल, ये एक लेफ्ट मोस्ट हो गया। अब देखो इसका मैं दूसरा लेफ्ट मोस्ट भी निकाल सकता हूँ, पहले एस बी एस डाला, ठीक है? अब चाहता हूँ जो लेफ्ट में भरना है, मतलब इसमें मैं ए के जगह पे मैं एस बी एस डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे दो बी चाहिए, उसके बाद जो भी जितने भी एस आएंगे उसमें तो ए हो जाएगा ना, तो ये एस के जगह पे मैंने अगेन एस बी एस डाल दिया, एस बी एस, फिर ये बी एस, ठीक है? फिर लेफ्ट मोस्ट क्या, ये एस है तो ए डालो, ए बी एस बी एस, फिर ये बी में डालो, ये एस में डालो, तो ए बी एस, लास्ट में क्या होगा राइट एस में डालो, तो ए बी ए बी ए बी, समझ में आ गया? देखो सेम के लिए देखो यहाँ पे टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, हाँ दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी हो, या एक लेफ्ट मोस्ट एक राइट मोस्ट डेरिवेशन भी हो, या एक राइट मतलब टू राइट मोस्ट डेरिवेशन हो, टू देखो यहाँ पे जब टू बात कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि टू है, यू मे गेट मोर देन टू ऑल्सो, बट रिमेंबर इफ यू हैव मोर देन वन पास्ट फॉर ए गिवन स्ट्रिंग देन दैट कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर इज एम्बिगस। एंड जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, सभी स्ट्रिंग के लिए एक एक पास्ट है, लेकिन एटलीस्ट एक स्ट्रिंग के लिए भी उस ग्रामर का अगर मोर देन वन पास्ट है देन दैट कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर इज एम्बिगस। नाउ ये अनदर एग्जांपल है, लाइक दैट जैसे प्लस स्टार ऐसे आ रहा है, यू गिवन ग्रामर इज ई डिराइव्स ई प्लस ई, देन ई डिराइव्स ई माइनस ई, देन ई डिराइव्स आई डी, ये तो क्लियरली दिख रहा है, समझ रहे हो? ये ग्रामर कैसे है, कोई भी स्ट्रिंग ले जाओ, जैसे मैंने जो प्रीवियसली तो किया था ना एस स्टार एस एस प्लस ए, कोई भी स्ट्रिंग ले जाओ प्लस और माइनस ले जाओ, जैसे मान लो एटलीस्ट प्लस एंड माइनस ले जाओ, इसमें एक लेफ्ट मतलब पहले ये डाल के, मतलब पहले ये डाल के फिर उसके बाद ये डाल दो, एंड दूसरे में पहले ये डाल के फिर ये डाल दो, हो गया काम खत्म, ठीक है? और सिंपली तुम ए मतलब आई डी प्लस मतलब ये मतलब प्लस प्लस भी दो बार लेके भी तुम दिखा सकते हो, पहले लेफ्ट में डाल दो फिर बाद में राइट में एक्सपांड कर दो, ठीक है? जैसे देखो ये स्ट्रिंग एक एग्जाम्पल, हाँ पीपीटी में सेंड कर दूंगा ग्रुप में, एक्चुअली टॉपिक तो खत्म हो जाने दो, नहीं तो आज ही कर दो, क्यों फिर कल से तुम धोखा दोगे, क्लास नहीं करोगे, मतलब क्यों नहीं करेंगे इस बार,
अरे बहुत सारे नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है मैं कर दूंगा, अब देखो तब पढ़ लेंगे तो अभी सर, इसलिए कर देना। अच्छा इतने होशियार हो, ठीक है होशियार नहीं है सर। कोई बात नहीं मैं भेज दूंगा। अब देखो इसको देखो, ये समझ में आ गया ना, क्लियरली देख के ही पता चल रहा है कि एम्बिगुअस है ही। कोई भी स्ट्रिंग जिसमें दो प्लस ले जाओ या दो माइनस ले जाओ या एक प्लस एक माइनस भी ले जाओ, एक बार लेफ्ट से टर्मिनेट करके जाओ एक बार राइट से टर्मिनेट करके जाओ, तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू पास ट्रीज। देखो पास ट्री मतलब तुम्हें अगर एम्बिगुअस बोलने के लिए पास ट्री भी ऑलवेज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम ये डेरिवेशन को देख के ही बोल सकते हो कि उसका पास ट्री डिफरेंट होगा। समझ लो कि नहीं, सो तुम्हारे ऊपर है, तुम डेरिवेशन देके बता पाओगे, बता पा रहे हो या फिर डायग्राम बना के। देखो ये एग्जांपल को डेरिवेशन देके बताऊंगा और ये जो सेकंड डायग्राम सेकंड जो एग्जांपल है उसको मैं पास ट्री बना के बताऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन से ही तो पास ट्री बनती है ना। ठीक है, तो पहले एक स्ट्रिंग ले लिया आईडी प्लस, ऐसे ले लिया गया, पहले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसको यूज करके कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या किया, मतलब ये दो में से कोई एक भी ले सकते हो, इस नॉट ये तो टर्मिनेट हो रहा है, तो अभी बचा क्या है, दो है प्लस माइनस है, दो में से कोई ले सकते हो, तो पहले ये ई प्लस एस ई प्लस ई ले लिया गया। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मतलब पहले ई को आई के जगह पे आई डी कर दिया, फिर ये बन गया। अब एक ही बचा है मतलब इसके जगह पे क्या डालना है, माइनस चाहिए मतलब इससे माइनस है, तो इस ई के जगह पे ई माइनस ई डाल दिया। फिर अभी क्या है, अब एक प्लस एक माइनस है मतलब स्ट्रिंग क्लियरली जनरेट हो जाएगा, तो मतलब ई के जगह पे बस टर्मिनेट करना है, तो इस ई के जगह पे आई डी डाल दिए, देन ई सी के जगह पे आई डी डाल दी, ये हो गया। तो क्लियरली इसमें देख सकते हो लेफ्ट में टर्मिनेट हो रहा है मतलब ये राइट की तरफ जा रहा है। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करोगे मतलब दूसरा एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करोगे तब क्या होगा, पहले ई माइनस ई को ले जाओ, ई माइनस ई को ले जाओगे मतलब अभी देखो ये माइनस है मतलब उसके लेफ्ट में ही प्लस वाला आएगा, मतलब लेफ्ट में ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब ये लेफ्ट में पहले मतलब ई प्लस के मतलब ई के जगह पे ई प्लस ई डाल दो। क्यों, क्योंकि माइनस के लेफ्ट में ही प्लस वाला कुछ आ रहा है, तो मतलब ये वाला ले लेना ही पड़ेगा, इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आई डी लगूंगा इसी के जगह पे तो मेरा क्या हो जाएगा, आई डी माइनस समथिंग हो गया, मतलब माइनस पहले आ जा रहा है, समझ लो कि नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं इस थिंग को जनरेट करने के लिए, इसलिए इसी के जगह पे ई प्लस एस डाल दिया। फिर अभी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो इसलिए सब तीनों में लेफ्ट कौन सा है, ई है लेफ्ट, इसी को डालो आई डी, फिर ये दो ई में से लेफ्ट कौन सा, ये है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आई डी डाल दिया, क्योंकि आईडी तो जनरेट करना है ना। अब दोबारा इसमें ई प्लस ई या फिर ई माइनस ई अगर कुछ डालेंगे इसमें तो फिर लेंथ उसका ज्यादा हो जाएगा। फिर लास्ट में एक सिंगल था, देखो सिंगल था मतलब राइट मोस्ट हो या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो उसी को ही लेना है, तो इस ई के जगह पे आईडी लगा दी। ठीक, तो देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दो तरीके से हो रहा है, मतलब डेरिवेशन थ्री और यू कैन से पास थ्री, दो ही मतलब इस केस में एटलीस्ट दो हो रहे हैं। डायग्राम करने की तो जरूरत नहीं है, करूं कर दो सर। अब जैसे देखो इसके लिए बनाओ तो क्या होगा, पहले ई है, ई का तीन चाइल्ड होंगे, ई प्लस एस मतलब यहाँ पे प्लस भी, रिमेंबर द प्लस माइनस आल्सो एक्ट लाइक ए टर्मिनल जिसको हम फ्यूचर में रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले ई प्लस एस मतलब ई प्लस ई, अब लेफ्ट में क्या है आईडी हो रहा है सिंगल आईडी, अब ई की जगह पे क्या डाला गया, ई माइनस देन ई, अब यहाँ पे क्या होगा आईडी हो गया, अब यहाँ पे हो गया आईडी। अब इसके लिए बनाओगे तो क्या होगा, ई से पहले ई माइनस देन ई, फिर ई के जगह पे क्या हुआ अगेन, ई प्लस ई, अब लेफ्ट में ये था तो इसको पहले आईडी बना दिया, फिर यहाँ पे आईडी बना दिया, फिर यहाँ पे आईडी बना दिया। देख सकते हो क्लियरली दो तरीके से, मतलब दो पास थे, दिस टू आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसलिए दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस। रिमेम्बर तुम्हारा जो ट्यूटोरियल क्लास वगैरह है ना, जैसे आज जो विवेक सर है ना, वो तीनों का ट्यूटोरियल कंबाइन करके तुम लोगों का क्लास लेंगे,
तो कल जो गुरुवार है कल मैं भी ऐसे तीनों को कंबाइन करके क्लास ले जाऊंगा, क्योंकि अभी ट्यूटोरियल का कोई मतलब नहीं है, मैं क्लास में ही सब कुछ मतलब एट ए टाइम सबका कर लूंगा, तो फिर क्लासेस भी ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा भी पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ट्यूटोरियल में बार बार रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है, उससे तक कंबाइन क्लास ही ले जाऊं। क्वेश्चन करा देना सर ट्यूटोरियल। हाँ हाँ जैसे देखो अभी ये जो क्वेश्चन हो गया ये ट्यूटोरियल में हो पाता, समझ लो कि नहीं, यहाँ पे क्लास में खत्म कर दूंगा, मतलब खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टू करना था। अब देखो द ग्रामर कंटेन थ्री प्रोडक्शन दैट इज ए डिराइव्स ए ए, ए डिराइव्स, देखो यहाँ पे ब्रैकेट इज आल्सो ए टर्मिनल, ठीक है, जो भी जो चीजें हैं जो भी कंपोनेंट जिसको हम फर्दर रिप्लेस नहीं कर मतलब कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब जिससे कोई प्रोडक्शन जनरेट ना हो रहा हो, या फिर मतलब कोई भी प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज नहीं हो देन उसको हम टर्मिनल कहेंगे, ठीक। तो ब्रैकेट इज आल्सो लाइक टर्मिनल, यहाँ पे बोला गया है इसी स्ट्रिंग को जनरेट करो और शो करो कि वो ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं। और इस क्वेश्चन का एक्चुअली मेन मोटो ये था कि तुम्हें दिखाना है कि मोर देन वन पास्ट ही है। देखो सबसे पहले दो में से देखो कोई भी ले सकते हो। अब देखो मैं सबसे पहले इसको ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, अगर मैं इस प्रोडक्शन को लूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज मेरा ब्रैकेट ही रहेगा, क्योंकि इसके तो रिप्लेस नहीं कर सकता, ऑलवेज ब्रैकेट रहेगा तो ये मेरा कभी भी जनरेट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सबसे पहले ए ए को लेना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक की जगह पे ए ए ले लिया गया तो दो चाइल्ड बन गए। अब देखो ए के जगह पे हम के कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। अभी देखो मान लो मैं चाहता हूं अभी राइट में पहले ए डाल दूं, ठीक है, राइट में ए डाल दूं मतलब इसे ए के जगह पे ए हो गया, मतलब ये वाला ये ए अभी निकल गया, अभी मुझे ये जनरेट करना है। अब ये जनरेट करना है मतलब क्या है, अगेन ए के जगह पे है अगेन ए डालना पड़ेगा, क्यों, अगर ए नहीं डालना मुझे यहां से तीन ए निकालना है, समझ लो कि नहीं, ये एक ए से मतलब क्या है कुछ डालूंगा तो एक सिंगल सिंगल होगा, तीन डालना है मतलब अगेन यहाँ पे ए डाल दो, ठीक है। अब ए डालने के बाद अब यह ए लेफ्ट में जो ए था उसको टर्मिनेट कर दो टर्मिनल ए में, मतलब अभी ये भी निकल गया, अभी मुझे क्या बनाना है ये निकालना है, मतलब एक ब्रैकेट के साथ ए देन ए, मतलब ब्रैकेट के साथ ए देन ए मतलब दो टू टाइम्स टर्मिनल ए आ रहा है मतलब टू टाइम्स कैपिटल ए आना चाहिए, तो अगेन इसके जगह पे ए ए डाल दिया, दो चाइल्ड हो गए ए। अब देखो इसमें से ये दो ए जो आना था उसमें से क्या लेफ्ट में ब्रैकेट आना चाहिए, तो इसीलिए लेफ्ट का जो ए है उसके जगह पे ये वाला रिप्लेस कर दो। रिमेम्बर ये डायग्राम गलत है, इसमें तीन चाइल्ड होंगे, ये एक चाइल्ड होगा फिर ए होगा और एक राउंड ब्रैकेट होगा, करेक्ट दिस, ठीक है, नहीं तो मैं पीपीटी करेक्ट कर लूंगा, ये तीन चाइल्ड होंगे इस ए का, रिमेम्बर मतलब ऐसे होगा राउंड ब्रैकेट देन ए देन राउंड ब्रैकेट, ठीक है, तो अभी हो गया। अब फिर इसी बीच में ए के जगह पे ए डाल दो, अभी ए के जगह पे ए डाल दो, जनरेट हो गया। सिमिलर दूसरे तरीके से कैसे ए डिराइव्स ए, ए के जगह पे ए रिप्लेस कर दिए, फिर तो लेफ्ट में जो ए था उसके जगह पे ए डाल दिए, फिर राइट में जो ए था उसके जगह पे दो बार ए डाल दिए, फिर राइट वाले ए को डाल दिए ए, क्यों, मतलब बहुत लास्ट में तो एक ए आएगा ही। अब इसी ए पे क्या अगेन दो ए डाल दिया, क्योंकि टू एस भी बनाना है जनरेट करना है, टू एस मतलब एटलीस्ट टू ए आना चाहिए, तो फिर अभी क्या है सेकेंड एक फर्स्ट ए के बाद जो सेकेंड ए आ रहा है उसके बीच में ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे अभी ब्रैकेट वाला लगा लिए, मतलब अगेन ये भी तीन चाइल्ड होंगे यहाँ पे, ये डायग्राम गलत है, लेफ्ट मतलब ब्रैकेट देन ए देन राइट ब्रैकेट, ठीक है, फिर ए की जगह पे ए डाल दिए और इस ए की जगह पे ए डाल दिए, क्लियर, समझ में आया सबको, हेलो कोई है, यस सर यस सर यस सर, ठीक है, तो सर हम बोलो सर, आप जो बोल रहे हो तीन चाइल्ड होंगे वहां पे वो समझ नहीं आया सर, पर ए से राउंड वाला ए तो डायरेक्टली चला जाएगा ना, तो तीन चाइल्ड की क्या जरूरत है वहां पे, दिस इज आल्सो टर्मिनल, ये दिस इज दिस कंटेन थ्री कंपोनेंट, ये जो ब्रैकेट है ना ब्रैकेट इज आल्सो टर्मिनल, ओके हाँ, तो फिर ये जो ए के जगह पे होगा ना, इस ए के जगह पे कैसे होगा, ऐसे होगा राउंड ब्रैकेट देन ए, ओके सर ओके ठीक है, यस सर
थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. एंड रिमेंबर आज जो लास्ट जो मेरा जो ट्यूटोरियल था वो ट्यूटोरियल नहीं होगा, उस टाइम पे विवेक सर कंबाइन करके लेंगे वो सबका. सर इसको एक बार और डिस्कस कर देना ट्यूटोरियल. कौन सा? ये वाला. हां ठीक, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ओके ठीक है सर. थैंक यू, गुड लक. थैंक यू सर.